हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मेमोरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने ऐसे दो सवाल लेके आई हूँ, वो दो सवाल जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। हर एक पेपर में ये सवाल आते हैं, आप देखेंगे अगर अभी आप। तो ये क्लास आपकी 1 मिनट की क्लास होती है। 1 मिनट में मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाती हूँ। तो अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए फायदेमंद क्लास है, कम समय में ज्यादातर कुछ सीखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया होता है, सीरीज का है, 4, 6, 10, 16, 26, पूछेगा आगे क्या हो रहा है। देखो, अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, देखो 4 2 8 दो कम है, 6 2 12 दो कम है, ठीक है? 4 2 8, 8 से दो कम हुआ, 6 2 देखो 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, माइनस का 2 कर दिया, 6 2 12 माइनस का 2 कर दिया, 10 2 20 माइनस का कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। देखो चेंज हो गया पैटर्न। यहाँ क्या करना पड़ेगा, 16 2 32, 32 में से तो कितना कम हो गया, 4 और 2 6 कम हो गया, मतलब फर्क है। यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ 4 हो गया, आगे 6 हो गया, मतलब कोई प्रॉपर सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है? डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का है और यहाँ 10 का है, भाई ये बैठ सकता है। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, या सॉरी यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ डिफरेंस 10 का है। अब देखो डिफरेंस देखा आपने, 2, 4, 6 और 10 गड़बड़ है। यहाँ 8 का डिफरेंस होता तो बात तो जमती हमें, पर यहाँ 8 का डिफरेंस नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग सीरीज ये है, काफी बजे सीधे टिक ला के आएंगे, 2, 4, 6, 10 और सीधा 12 लगाएंगे वो, पर गलत होगा सवाल। अब इसमें लॉजिक कैसे बैठा है, लास्ट के दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 10 कितना हो गया, 26 हो गया, और 26 प्लस 16 कितना हो गया, 6 और 6 12, 1 2 3 4 42। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में? देखो हमने तीन लॉजिक लगाए, पहले आपने मल्टीप्लाई वाला लगाया, लग सकता था, पर इसमें डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, आगे 6 होगा। फिर हमने क्या लगाया, डिफरेंस लगाया, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का हुआ, यहाँ 6 का हुआ, अगर यहाँ 8 का होता तो लॉजिक सही बैठता, पर यहाँ 10 का आ गया, गड़बड़ यहाँ हो गई हमसे, यहाँ 10 का आ गया, गड़बड़ यहाँ होगी। अब क्या किया, फिर हमने ये लगाया, लास्ट का 2 को ऐड करके ये होगा। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं 99% बोल रही हूँ, बच्चे आपका ये लगा के आएंगे, ये वाला लॉजिक आपका, ठीक है? दूसरा सवाल एक ये है, ये भी आपके काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बहुत डिफरेंट लॉजिक के साथ है। हमसे बोला गया है ऐसा करने से 3 3 2 आ रहा है, ऐसा करने से ये आ रहा है और ऐसा करने से ये आ रहा है। अब पूछा है कि ऐसा करने से क्या आएगा, सोचो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से देखना इस लॉजिक को। 5 में 2 गए 3 बचा, 8 × 4 कितना हो गया, 32, देखो 32 ये रहा, 3 ये रहा, इनको माइनस किया 5 आया, इनको मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। सेम ऐसे 4 3 जा 12 हो गया, 8 − 5 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 1 2 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो सभी को? आई थिंक समझ में आया होगा, ये दोनों ही सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अलग डिफरेंट लॉजिक के सवाल हैं, दोनों ही सवाल आपके डिफरेंट लॉजिक के हैं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, ये 1 मिनट में एक कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल भी रहा है, तो आप सभी इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी साथियों को भी बताइए कि ये क्लासेस देखा करें, कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।